हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू पीसीएम ट्यूटोरियल्स। आज हम लोग फ्लूइड मैकेनिक्स का एक टॉपिक करेंगे, रेनॉल्ड्स नंबर। सो रेनॉल्ड्स नंबर के बारे में आपको बताऊंगा कि ऑस्बोर्न रेनॉल्ड्स, इन्होंने टर्बुलेंट फ्लो और लेमिनर फ्लो का प्रॉपर एक डिफरेंस बताया था कि उसमें प्रॉपर डिफरेंस होता क्या है। अब रेनॉल्ड्स ने किया क्या था कि उसके पास एक सेटअप था, एक्सपेरिमेंटल सेटअप था, जिसमें क्या किया, उसके पास एक पाइप थी। ठीक है, सपोज कि हमारे पास एक पाइप है जिसका कुछ डायमीटर है। डायमीटर हमने इसका मान लिया कैपिटल डी, कैपिटल टी डी इसका डायमीटर हो गया। और इसमें जो फ्लूड फ्लो करेगा, सपोज कि वाटर फ्लो कर रहा है, तो उसकी एक एवरेज वेलोसिटी हमने कैपिटल स्मॉल बी मान लेंगे। कि इसके अंदर जो फ्लूड फ्लो कर रहा है वो क्या होगा, उसकी एक एवरेज वेलोसिटी होगी, जिसको हम वी से डिनोट करेंगे। अब एक्चुअली में हुआ क्या था, इसके अंदर उसने क्या किया, उसके पास एक पाइप थी और पाइप के ऊपर क्या था कि इसने एक ऐसे कंटेनर रखा हुआ था जिसमें से क्या था, इंक हम अंदर की तरफ फ्लो करवा रहे थे। अब इसमें इंक को अंदर की तरफ फ्लो करवाना था। अब इंक कैसी होनी चाहिए, उसके पास जो इंक थी, यहाँ पर हमने इंक रखी हुई है। अब यहाँ पर क्या होगा कि ये इंक धीरे धीरे नीचे जाएगी, ठीक है, और वाटर का जो फ्लो चल रहा है उसके साथ वो मिक्स होती जाएगी, मिक्स होगी और उसमें एक स्ट्रीक बनेगी। अब देखो इसमें क्या था, इंक कैसी थी, इंक थी न्यूट्रली बायोएंट, ठीक है, न्यूट्रली बायोएंट इंक। अब न्यूट्रली बायोएंट इंक कौन सी होती है, न्यूट्रली बायोएंट इंक ऐसी होती है कि उसकी जो डेंसिटी होगी ना, और उसको हम जिस फ्लूड में डाल रहे हैं उन दोनों की डेंसिटी लगभग सेम होगी, बिल्कुल ही सेम डेंसिटी होती है। यानी कि जो हम इंक लेकर चल रहे हैं इसकी डेंसिटी और जिस फ्लूड में इसको हम फ्लो करवाएंगे उसकी डेंसिटी दोनों सेम रहेंगी, उसको हम बोलते हैं न्यूट्रली बायोएंट मटेरियल। तो यहाँ पर हमने इंक यूज़ किया तो वो होगा न्यूट्रली बायोएंट इंक। अब ये इंक को क्या किया, इसने अंदर की तरफ फ्लो करवाया, ठीक है। तो हमारे पास ऐसे ऐसे तीन केसेस अराइज होते हैं। तीन केसेस कौन कौन से अराइज होंगे, फर्स्ट केस तो वो होगा कि जिसमें स्मॉल इनफ फ्लो रेट्स होंगे, ठीक है, स्मॉल इनफ फ्लो रेट्स, यानी कि जो इसमें फ्लूड का फ्लो हो रहा है वो स्मॉल इनफ है, कुछ ज़्यादा तेज पानी नहीं जा रहा है, ठीक है, बहुत नॉर्मली पानी जा रहा है। तो हमने क्या किया कि जो वाटर जा रहा है इसके अंदर, जो भी फ्लूड जा रहा है वो क्या है, एक नॉर्मली स्मॉल इनफ फ्लो रेट है, ज़्यादा फास्ट नहीं है, ठीक है, नॉर्मल सा एक फ्लो रेट है। उससे क्या होगा, अब आपने खुद ही नोटिस किया होगा, जैसे कि हमारे पास पाइप में पानी फ्लो करता है, अगर वो पानी बहुत धीरे धीरे मतलब आराम से फ्लो करे तो क्या होगा, एक तो पूरा यहाँ पर कवर करेगा पानी उसके अंदर, और कवर करेगा पूरा यहाँ पर जब वाटर फ्लो करेगा ना नीचे की तरफ, तो आप नोटिस करोगे एकदम से पूरा गुलाई सिलेंडर की शेप में ही पानी निकलता है बाहर, ठीक है, अगर आपने नोटिस किया हो। या फिर जब भी आप टैप ऑन करते हो ना, अगर टैप को बिल्कुल स्लो करना, धीरे से ऑन करना, धीरे से आप उसको ओपन करोगे ना टैप को, तो पानी बड़े अच्छे से फ्लो करेगा, आपको बिल्कुल स्ट्रेट एकदम से पानी दिखेगा, ठीक है। तो वो होता है स्मॉल इनफ फ्लो रेट, उससे क्या होता है कि प्रॉपर से एक सिलेंड्रिकल शेप में पानी नीचे आता है। तो उस केस में जब इंक को हम अंदर फ्लो करवाएंगे तो वो जो इंक फ्लो होगी ना अंदर की तरफ, तो वो एक स्ट्रेट लाइन में ऐसी जाएगी, बिल्कुल ऐसी जाएगी, क्योंकि इंक जैसी नीचे की तरफ आ रही है, पहली बात न्यूट्रली बायोएंट इंक है और वो ग्रेविटी के इफेक्ट में नीचे आ रही है। तो जब ग्रेविटी के इफेक्ट में नीचे आएगी ना इंक वाली, तो एकदम से ऐसे बनाएगी, एक स्ट्रीक बनाएगी, लॉन्ग स्ट्रीक। और ये स्ट्रीक कैसी होगी कि आगे जाकर ये स्ट्रीक क्या हो जाएगी, डिफ्यूज हो जाएगी वाटर के अंदर। इसमें होगा क्या, डिफ्यूजन आपको पता ही है, डिफ्यूजन क्या होता है कि मेरे पास अगर ये वाटर है, ठीक है, ये वाटर के पार्टिकल्स है। अब इसमें यहाँ पर जगह जगह पर स्पेसिस है, अब उन स्पेसिस में क्या होगा, इंक अपने पार्टिकल्स को लेकर जाएगा और वहां पर जाकर फिट हो जाएगा। यानी कि खाली जगह को ढूंढो और उसमें जाकर फिट हो जाओ, तो वो होता है डिफ्यूजन। अब यहाँ पर क्या होगा कि इंक के पार्टिकल्स पहले तो एक नॉर्मल एक सिंपल स्ट्रीक में जा रहे हैं, स्ट्रेट लाइन में, तो आगे जाकर क्या डिफ्यूज जाएंगे, ठीक है, वाटर के पार्टिकल्स के अंदर। तो ये तो होता है एक लेमिनार फ्लो। लेमिनार फ्लो कैसा है, बिल्कुल एक स्ट्रेट स्ट्रीक बनेगी जो आगे जाकर डिफ्यूज हो जाएगी। तो ये होता है लेमिनार फ्लो। और अगर हम उसको रेनॉल्ड्स नंबर के फॉर्म में लेकर देखें, तो आपने जो नॉर्मली पढ़ा भी होगा बुक्स में कि अगर आपका रेनॉल्ड्स नंबर लेस देन 2000 हो, ठीक है, रेनॉल्ड्स नंबर का अगर हम फॉर्मूला करेंगे, जब उसके आप वैल्यू निकालोगे और वो वैल्यू लेस देन 2000 आ जाए, तो उस फ्लो को हम बोलते हैं लेमिनार फ्लो। ठीक है, आई थिंक आपको यहां समझ भी आ गया होगा। तो सेकेंड केस हमारे पास आएगा इंटरमीडिएट फ्लो रेट्स। सेकेंड हमारे पास है इंटरमीडिएट फ्लो रेट्स।
अब इंटरमीडिएट फ्लो रेट क्या होगा, स्मॉल इनफ में क्या था, वाटर की जो हमने जो भी फ्लूड था उसकी जो हमने वेलोसिटी दी हुई थी वो कम दी हुई थी, जिस कारण से वाटर बहुत अच्छे से फ्लो कर रहा था, बहुत स्मूथली फ्लो कर रहा था। अब इंटरमीडिएट फ्लो रेट में क्या होगा, स्मूथली से थोड़ा सा ऊपर, यानी कि थोड़ा सा फ्लक्चुएशन आने शुरू हो जाएगी वाटर में, यानी कि उसकी स्पीड हल्की सी बढ़ जाएगी। तो इंटरमीडिएट फ्लो रेट में क्या होगा, उस फ्लो को जो हम बोलते हैं ना, जो इंटरमीडिएट फ्लो रेट होता है उसको बोलते हैं ट्रांजिशनल फ्लो रेट, ठीक है। तो ट्रांजिशनल फ्लो बोल दिया हमने इसको, इसका नाम है ट्रांजिशनल फ्लो। इसके रेनॉल्ड्स नंबर की वैल्यू हम टर्बुलेंट के बाद करेंगे, तो अभी इसको याद रखो कि ट्रांजिशनल फ्लो होता है जब हम इंटरमीडिएट फ्लो रेट ले आए, यानी कि हम थोड़ी सी वैल्यू को बढ़ा दें और उसमें हल्की हल्की फ्लक्चुएशन आने शुरू हो जाए लिक्विड के अंदर। यानी कि पहले अगर हम इसको थोड़ा सा समराइज करें, स्मॉल इनफ फ्लो रेट में क्या था कि वाटर बहुत धीरे धीरे आराम से जा रहा था, तो पूरे अच्छे से फ्लो कर रहा था, और उसके अंदर जब हमने इंक को ग्रेविटी की फॉर्म में गिराया, ग्रेविटी की इफेक्ट में हमने इंक को गिराया, तो बीच में जैसे वाटर जा रहा है तो इंक ऊपर से, इंक ने क्या किया, इसके साथ आकर बड़े आराम से इसके साथ फ्लो करना शुरू कर दिया, ठीक है। समझ रहे हो कि जैसे ही इंक आई तो इंक इसके ऊपर बैठ गई, वाटर की लेयर के ऊपर आकर बैठ जाएगी, तो बहुत आराम से दोनों इकट्ठे चलते जाएंगे। अब इंटरमीडिएट फ्लो रेट में क्या होगा कि जो वाटर जा रहा है ना, ये खुद ही फ्लक्चुएट करता रहेगा थोड़ा बहुत, तो जैसे ही इसके ऊपर इंक आएगी तो इंक भी फ्लक्चुएट करेगी साथ में, ठीक है। तो अभी वो जो फ्लक्चुएशंस होगी ना, वो फ्लक्चुएशंस कम होंगी। तो यहाँ पर देखो इंटरमीडिएट फ्लो रेट में क्या हो गया, ट्रांजिशनल फ्लो हो गया। इसको थर्ड केस हमारे पास है लार्ज इनफ फ्लो रेट्स, लार्ज इनफ फ्लो रेट्स। अब लार्ज इनफ फ्लो रेट्स में क्या होगा, फ्लक्चुएशंस वाटर में ज्यादा होगी, वो प्रॉपरली पाइप के अंदर से फ्लो नहीं करेगा। प्रॉपरली का मतलब ये है कि पूरा पाइप को अच्छे से कवर नहीं कर पाएगा, और वाटर जो हम पहले बोल रहे थे ना कि सिलेंड्रिकल शेप में नीचे आता है, बहुत स्मूथली फ्लो करता है, इस बार वो वाटर जो है ना स्मूथली फ्लो नहीं करेगा, क्योंकि वाटर की स्पीड बहुत है, स्पीड बहुत है तो टर्बुलेंस ज्यादा होगी उसके अंदर। टर्बुलेंस यानी कि वाटर में फ्लक्चुएशन बहुत ज्यादा होगी उसकी लेयर्स के अंदर। तो आपको वैसे भी पता ही है कि वाटर क्या होता है, लेयर्स की फॉर्म में होता है, जैसे ये फर्स्ट लेयर होगी, इसके नीचे सेकंड लेयर होगा, इसके नीचे थर्ड लेयर होगा, तो वाटर लेयर्स की फॉर्म में फ्लो करता है। जब टर्बुलेंस क्रिएट हो जाएगी तो वो लेयर्स बार बार फ्लक्चुएट करेंगी। अब इस केस में अगर हम इंक को गिराएं, ठीक है, इंक ग्रेविटी की फॉर्म में नीचे आएगी, तो वाटर पहले ही बहुत ज्यादा फ्लक्चुएट कर रहा है, तो इंक भी साथ में फ्लक्चुएट करेगी ज्यादा, और इस केस में फ्लक्चुएशन बहुत ज्यादा होगी, और जो इंक हो जाता है वो डिफ्यूज हो जाता है पूरे पाइप के अंदर, थ्रू आउट वो डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा इंक हमारा। अब लार्ज इनफ फ्लो रेट्स को हम क्या बोलते हैं, टर्बुलेंट फ्लो। लार्ज इनफ फ्लो रेट को हम बोलते हैं टर्बुलेंट फ्लो। और अगर हम रेनॉल्ड्स नंबर के फॉर्म में लेकर जाए, तो रेनॉल्ड्स नंबर की वैल्यू अगर 4000 से अबव आ जाए, अगर रेनॉल्ड्स नंबर की वैल्यू 4000 से अबव आ जाए तो वो होता है टर्बुलेंट फ्लो, और अगर हमारी वैल्यू 2000 और 4000 के बीच बीच में आए तो उसको हम बोल देते हैं ट्रांजिशनल फ्लो। तो यहाँ से हम रेनॉल्ड्स नंबर की वैल्यू इसके लिए भी लिख देते हैं कि 2000 टू 4000 के बीच बीच में इसकी वैल्यू रहेगी, ठीक है। तो ये तो हो गया इसका आपका शॉर्ट फॉर्म्स की फॉर्म में, कि रेनॉल्ड्स नंबर अगर 2000 से कम आ गया तो लैमिनर फ्लो होता है, 2000 4000 के बीच में आ गया तो ट्रांजिशनल फ्लो होता है, 4000 से अबव आ गया तो टर्बुलेंट फ्लो होता है। अब हम करेंगे रेनॉल्ड्स नंबर की डेरिवेशन, रेनॉल्ड्स नंबर का फॉर्मूला कैसे डिराइव करना है वो देखो। अब रेनॉल्ड्स नंबर का जो बेसिक फॉर्मूला होता है वो आपने वैसे भी पढ़ा होगा कि इनर्शियल फोर्स पर यूनिट एरिया टू द विस्कस फोर्स पर यूनिट एरिया, यानी कि इनर्शियल फोर्स पर यूनिट एरिया अपॉन विस्कस फोर्स पर यूनिट एरिया। तो रेनॉल्ड्स नंबर का जो फॉर्मूला है वो ये है। अब इसमें क्या है, ऊपर क्या है कि पर यूनिट एरिया यानी कि यूनिट एरिया में कितनी इनर्शियल फोर्स लग रही है, और अपॉन में क्या है कि यूनिट एरिया में कितनी विस्कस फोर्स लग रही है। विस्कस फोर्स क्या करती है, वाटर जब भी फ्लो कर रहा है पाइप के अंदर तो उसको रोकने के लिए एक फोर्स लगती है ऑपोजिट, ठीक है। अब वो आप पूछोगे कि ऑपोजिट फोर्स क्यों लग रही है, कौन लगा रहा है उसको, ऑपोजिट फोर्स को कौन लगा रहा है। तो हमारे पास एक पाइप है, जैसे पाइप में क्या हो रहा है, वाटर फ्लो कर रहा है। अब जब एक्चुअली में क्या होता है कि वाटर फ्लो तो कर ही रहा है, ठीक है, वाटर फ्लो करते करते आपको पता है कि वाटर लेयर्स की फॉर्म में जा रहा है, वाटर हो गया, फ्लूड हो गया, कुछ भी हो गया। तो अगर मैं उसको दोबारा से बनाऊँ, ये पाइप है हमारे पास, और इसमें क्या हो रहा है कि लेयर्स की फॉर्म में वाटर फ्लो कर रहा है, हमने ऐसे इसकी लेयर्स बना दी। अब एक्चुअली में जो लेयर्स ये फ्लो करती हैं वो लेयर्स की जो शेप होती है वो ऐसी शेप होती है, ठीक है। अगर मैं इसको ऐसे हटा दें यहाँ से तो लेयर्स की शेप ऐसी होती है। अब ऐसी शेप क्यों है, क्योंकि अब ये जो पाइप की वॉल्स है ना, पाइप की वॉल्स है, अब ये जो फर्स्ट लेयर ऊपर वाली है ये फ्लो कर रही है आगे की तरफ, और पाइप की जो वॉल है वो स्टेडी है, वो रुकी हुई है। अब जैसे ये वॉल है और ये नीचे से वाटर फ्लो कर रहा है, ब्लू कलर से याद रखना कि वाटर फ्लो कर रहा है, जब ये लेयर इसके साथ जाएगी ना टकरा कर,
तो इसमें क्या होगा, इसमें एक फ्रिक्शन फ्रिक्शन होगा इन लेयर्स के बीच में, ठीक है। तो वॉल के अंदर और फर्स्ट लेयर के अंदर फ्रिक्शन हो रहा है, फ्रिक्शन होने के कारण क्या होगा, इसकी स्पीड हल्की सी कम हो जाएगी, ठीक है। इसकी स्पीड यानी कि फर्स्ट लेयर की स्पीड कम है। उसके बाद क्या होगा, अब लगा लो कि इसके नीचे, अब एक फर्स्ट लेयर के नीचे एक सेकेंड लेयर है वाटर की, ऊपर तो वॉल है ही है, ठीक है। उसने इसको फर्स्ट लेयर को काफ़ी कम कर दिया है उसकी स्पीड को, तो अब क्या होगा, जो फर्स्ट लेयर है उसकी स्पीड तो कम हो गई है, अब नीचे वाले की स्पीड ज़्यादा है, तो रिलेटिव, ठीक है। और क्या होगा कि इसकी स्पीड भी थोड़ी सी कम हो जाएगी, क्योंकि इसके मुकाबले में वो थोड़ा स्लो है। सिमिलरली आगे के चलते जाओगे तो स्पीड बढ़ती जाएगी, ठीक है। ये वाली ज़्यादा कम नहीं होगी, ऊपर वाली ज़्यादा कम होगी, तो धीरे धीरे क्या होगा कि वाटर की जो लेयर्स की वेलोसिटी है धीरे धीरे बढ़ती जाएगी। फिर वही केस नीचे से चलता आ रहा है, तो यहाँ से क्या हुआ कि नीचे से और ऊपर से जो वॉल्स के पास है लेयर्स उनकी स्पीड कम रहेगी, और जो वॉल्स से दूर है लेयर्स उनकी स्पीड ज़्यादा रहेगी। आई होप के कुछ समझ आ रहा होगा कि वॉल्स के पास वाले की स्पीड कम क्यों है, वॉल्स से दूर वाले की स्पीड ज़्यादा क्यों है, क्योंकि वॉल्स के पास वाले जो लेयर्स हैं उसमें क्या हो रहा है, फ्रिक्शन हो रहा है आपस में, क्योंकि पाइप स्टडी था, ठीक है। आई होप आपको समझ आ गया होगा। तो यही हम पढ़ रहे हैं कि विस्कस फोर्स पर यूनिट एरिया की, पर यूनिट एरिया में कितनी विस्कस फोर्स लग रही है, और इनर्शियल फोर्स क्या है, पर यूनिट एरिया की, पर यूनिट एरिया में इनर्शियल फोर्स कितनी लग रही है। सो अब इसको डिराइव करते हैं। जैसे हमारे पास दो है, ठीक है, इन दोनों की वैल्यू पहले हमें निकालनी पड़ेगी, फिर हम उन वैल्यूज को यहाँ पुट कर देंगे तो आंसर आ जाएगा हमारा। सो फर्स्ट इनर्शियल फोर्स, अब इनर्शियल फोर्स निकालने के लिए क्या फॉर्मूला है, चेंज इन मोमेंटम, कि मोमेंटम में चेंज कितना आ रहा है, अपॉन में क्या आएगा, पर यूनिट एरिया है तो नीचे एरिया आ जाएगा, क्योंकि इनर्शियल फोर्स क्या होती है, रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम, और नीचे क्या है, एरिया, हमें बोला ना पर यूनिट एरिया कि पर यूनिट एरिया में कितना लग रहा है, तो ये रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम फोर्स के बराबर हो गया, अपॉन में एरिया आ गया। अब रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम फॉर्मूला क्या होता है, एम वी, तो हम इसको लिखेंगे डेल्टा एम इंटू वी, और नीचे हमारे पास है एरिया, एरिया को हम ए की फॉर्म में लिख देते हैं। अब यहाँ पर आप सोचोगे कि वी क्या है, वी होगा जो पाइप के अंदर वाटर फ्लो कर रहा है उसकी एक हमने एवरेज वेलोसिटी वी मान ली, ठीक है। तो हमारे पास एक क्या होगा, हमारे पास एक पाइप है जिसका कुछ रेडियस आर होगा, ठीक है, रेडियस हमने इसका आर मान लिया, और उसमें जो फ्लूड फ्लो कर रहा है उसकी वेलोसिटी है स्मॉल वी, एक हम एवरेज वेलोसिटी मान के चलेंगे, तो डेल्टा एम वी अपॉन ए आ गया। अब यहाँ पे एक केस अराइज होता है कि डेल्टा एम की वैल्यू निकाल लो। अब डेल्टा एम क्या होता है, डेल्टा एम वॉल्यूम या अगर आप सिंपल फॉर्म में लिखो वॉल्यूम इनटू डेंसिटी, डेंसिटी का फॉर्मूला याद रखो, डेंसिटी इज इक्वल टू मास अपॉन वॉल्यूम। अब क्योंकि हमें यहाँ पर मास चाहिए तो वॉल्यूम को वहां जाकर मल्टीप्लाई कर दो, सो डेंसिटी इनटू वॉल्यूम आ जाएगा, ठीक है। अब वॉल्यूम क्या होता है, वॉल्यूम देखो क्या होगा इसमें, अब पाइप का कुछ एरिया होगा, ठीक है, पाइप का एरिया कैसा है, ये ए की फॉर्म में, तो हमने इसको एरिया ए मान लिया, एरिया को मल्टीप्लाई कर देंगे उसके मास से, सॉरी वेलोसिटी से, एरिया को हम मल्टीप्लाई करेंगे वेलोसिटी से, और ये जो वॉल्यूम निकाल रहे हैं ना, वॉल्यूम ऑफ वाटर फ्लोइंग पर सेकंड का होता है, ठीक है, वॉल्यूम पर सेकंड, ठीक है। अगर आपको इसमें प्रॉब्लम आ रही है तो इसको याद रखना कि हम मास निकाल रहे हैं, ये मास निकल रहा है कि कितना मास वाटर का जा रहा है पर सेकंड, ठीक है, ये भी हम यहाँ पर सेकंड में लिख देते हैं कि हम मास ऑफ वाटर निकाल रहे हैं, कि मेरे पास कुछ पाइप है, इस पाइप में से जो वाटर फ्लो कर रहा है पर सेकंड में कितना मास फ्लो कर रहा है, ठीक है, समझ आ रहा होगा, ठीक है। अगर हम मास निकाल रहे हैं तो वॉल्यूम ऑफ डेंसिटी पर सेकंड आएगी, और डेंसिटी तो जो वाटर की है वो है, तो वॉल्यूम पर सेकंड, वॉल्यूम ऑफ फ्लूइड फ्लोइंग पर सेकंड, यानी कि इस पाइप में से पर सेकंड में कितना वॉल्यूम जा रहा है फ्लूइड का, ठीक है, तो वॉल्यूम पर सेकंड आ गया यहाँ पर। और वॉल्यूम का फॉर्मूला क्या होगा, एरिया इंटू वेलोसिटी, इसको याद रखना कि कितना एरिया है पाइप का, कितना एरिया है पाइप का, इस पाइप में से इतने ही एरिया में से वाटर फ्लो करेगा, कितनी वेलोसिटी से करेगा, तो वो वॉल्यूम आ जाएगी, ठीक है, वो भी पर सेकंड वाली वॉल्यूम आएगी, एरिया इनटू वेलोसिटी। अब यहाँ से वॉल्यूम कैसे है, एक चीज़ याद रखना कि अगर हम इसमें यूनिट्स पुट कर दें, एरिया की यूनिट क्या होगी, मीटर स्क्वायर, और वेलोसिटी की क्या होती है, मीटर पर सेकंड, मीटर पर सेकंड मल्टीप्लाई करोगे तो क्या बनेगा, मीटर क्यूब पर सेकंड, यानी कि वॉल्यूम पर सेकंड, ठीक है। तो ये एरिया इनटू वेलोसिटी आ गया, और डेंसिटी ऑफ वाटर हमने रो मान लिया, कि जो भी फ्लूड या वाटर फ्लो कर रहा है उसकी डेंसिटी रो है, तो यहाँ से एक फॉर्मूला आता है ए वी रो, या फिर अगर आपको थोड़ा सिंपल फॉर्म में लिखना है तो हम इसको रो ए वी भी लिख सकते हैं, रो ए वी याद करना थोड़ा इजी रहता है,
ठीक है, तो डेल्टा एम की अगर हम वैल्यू देखें तो डेल्टा एम की वैल्यू हमारे पास रो ए बी आ चुकी है, तो यहाँ पर हम उसको पुट कर देंगे, रो ए वी इंटू एक वी पहले से ही पड़ा है यहाँ पर, अपॉन में ए है, ए से ए कैंसिल हुआ तो हमारे पास रो वी स्क्वायर आ गया। तो यहाँ से इनर्शियल फोर्स की वैल्यू तो हमारे पास आ जाती है रो वी स्क्वायर, जो कि हम यहाँ पर पुट कर देते हैं, ठीक है, रो वी स्क्वायर हमारे पास वैल्यू आ चुकी है। अब बात है कि विस्कस फोर्स का फॉर्मूला क्या बनेगा। अब विस्कस फोर्स निकालने के लिए विस्कस फोर्स, विस्कस विस्कोसिटी का फॉर्मूला क्या होगा, ईटा ए बी अपॉन आर, ठीक है, ईटा ए बी अपॉन आर। और अब हमने निकाली है विस्कस फोर्स पर यूनिट एरिया, अगर हम पर यूनिट एरिया से निकाल दें तो हमें यहाँ पर क्या करना पड़ेगा, एरिया से डिवाइड करना पड़ेगा, ठीक है। तो जब एरिया से डिवाइड करोगे तो हमारे पास फॉर्मूला बनेगा ईटा वी अपॉन आर। अब इस ईटा वी अपॉन आर को हम पुट कर देंगे तो यहाँ पर बनेगा ईटा वी, जो नीचे आर आना था वो ऊपर चला जाएगा, ठीक है, वी से वी को कैंसिल करो तो ये बनेगा रो वी आर अपॉन ईटा। तो यहाँ से हमने फॉर्मूला बना लिया रेनॉल्ड्स नंबर का, रेनॉल्ड्स नंबर का फॉर्मूला हमारे पास क्या आया, रो वी आर अपॉन ईटा, जहाँ पर रो क्या है डेंसिटी ऑफ फ्लूड है, वी क्या है वेलोसिटी ऑफ फ्लूड की पाइप के अंदर, आर क्या है पाइप का रेडियस, और ईटा क्या है कोफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी। अब इसी के बीच में एक छोटा सा कॉन्सेप्ट और आता है क्रिटिकल वेलोसिटी का। क्रिटिकल वेलोसिटी का फॉर्मूला आपको निकालना हो आप इसी से निकाल सकते हो, ठीक है, वेलोसिटी है हमारे पास, यहाँ से हम क्रिटिकल वेलोसिटी का फॉर्मूला निकाल सकते हैं। अब एक्चुअल में क्रिटिकल वेलोसिटी होती क्या है, जब वाटर फ्लो कर रहा है ना, जब वाटर फ्लो करेगा पाइप के अंदर, आपने पढ़ लिया था टर्बुलेंट फ्लो, लेमिनार फ्लो, ठीक है, आपने ट्रांजिशनल फ्लो पढ़ लिया है, तो इसमें एक केस याद रखो कि सपोज कि मैंने एक लाइन बनाई है जहाँ पर मैंने एक वैल्यू दे दी क्रिटिकल वेलोसिटी, क्रिटिकल वेलोसिटी को मैंने एक पॉइंट दे दिया। अब जब तक तो तुम आपका वाटर, ठीक है, जब तक आपके वाटर की वेलोसिटी की वैल्यू इस क्रिटिकल वेलोसिटी के पॉइंट से पीछे पीछे रहती है, ठीक है, जब तक वाटर आपका उस वेलोसिटी को अटेन नहीं कर लेता, तब तक तो आपका जो वाटर की स्पीड होगी वो क्या होगी, स्ट्रीम लाइन, ठीक है, स्ट्रीम लाइन यानी कि बहुत अच्छे से फ्लो करेगा, एक बिल्कुल सीधी लाइन में फ्लो करेगा वाटर आपका, वाटर या फ्लूड कुछ भी है, ठीक है, यानी कि जब तक उस फ्लूड ने क्रिटिकल वेलोसिटी अटेन नहीं की तब तक, उस पॉइंट तक, उसको हम बोलेंगे स्ट्रीम लाइन। जैसे ही क्रिटिकल वेलोसिटी अटेन कर लेगा, क्रिटिकल वेलोसिटी से ऊपर जाएगा, तो उसके बाद क्या हो जाएगा, टर्बुलेंट फ्लो, ठीक है, तो टर्बुलेंट फ्लो हो जाएगा उसके बाद। तो इसको याद रखना, क्रिटिकल वेलोसिटी एक ऐसी वेलोसिटी है जिस पॉइंट को अगर हमने क्रॉस कर दिया तो टर्बुलेंट फ्लो में कन्वर्ट हो जाएगा, जहां तक आप उस पॉइंट तक अगर आप नहीं पहुंचे उतनी वेलोसिटी तक, हम उसको बोलेंगे स्ट्रीम लाइन फ्लो। नाउ अब हम लोग बात करते हैं कोफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी के ऊपर। अब कोफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी से पहले आपको विस्कोसिटी पता होना चाहिए। विस्कोसिटी की डेफिनेशन होती है कि इट इज द डिग्री अप टू विच फ्लूड रेजिस्ट इट्स फ्लो, ठीक है, इसका मतलब क्या है कि एक ऐसा फ्लो जब भी फ्लूड फ्लो कर रहा है तो कितनी डिग्री तक वो अपने फ्लो को रेजिस्ट कर रहा है, ठीक है, अपने फ्लो को रेजिस्ट कैसे करते हैं वो आपने पढ़ी लिया ऑलरेडी कि वॉल्स होती हैं, ठीक है, वॉल्स उसको वेलोसिटी को कम करती हैं, फर्स्ट लेयर सेकंड लेयर धीरे धीरे फिर उनकी वेलोसिटी बढ़ती है, फिर धीरे धीरे फिर से वेलोसिटी कम होनी शुरू हो जाती है, यानी कि जब तक वॉल्स के पास है फ्लूड, जो भी वॉल्स के पास पर लेयर्स है उनकी वेलोसिटी कम रहेगी, जो वॉल से दूर है यानी कि जो सेंटर में चली जाती है, सेंटर पॉइंट जैसे ये है ना, ये पॉइंट जो सेंटर वाला है ये वॉल से दूर है, तो इस पॉइंट पे जो फ्लूड की फ्लो वेलोसिटी होगी वो ज़्यादा होगी क्योंकि वो वॉल से दूर है, जो वॉल्स के पास पास है, ठीक है, वहाँ पर क्या होगी, वेलोसिटी कम होगी। तो विस्कोसिटी क्या है कि कितनी रेजिस्टेंस हम वाटर फ्लूड को मिल रही है जाते हुए, ठीक है, जब फ्लूड फ्लो कर रहा है उसको कितनी रेजिस्टेंस लग रही है रुकने, वो मतलब रुक रहा है, ठीक है, उस कारण से क्या हो रहा है, इसकी वेलोसिटी कम हो रही है वाटर की। तो यहाँ से क्या होगा, कोफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी का फॉर्मूला हम देखते हैं, कोफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी जिसको हम ईटा की फॉर्म लिखते हैं। अब इसका फॉर्मूला कैसे डिराइव करेंगे, सबसे पहले तो हमें एक बेसिक फॉर्मूला बताना चाहिए, वो होता है इनर्शियल टेंजेंशियल फोर्स पर यूनिट एरिया। तो इसमें आएगा टेंजेंशियल फोर्स पर यूनिट एरिया, ठीक है, यानी कि पर यूनिट एरिया में कितनी टेंजेंशियल फोर्स लग रही है। टेंजेंशियल फोर्स आपको बताइए कि जो बिल्कुल अलॉन्ग द टेंजेंट एक्ट करे, तो टेंजेंशियल फोर्स पर यूनिट एरिया, ठीक है, और नीचे हमारे पास क्या आएगा, वेलोसिटी ग्रेडियंट। अब एक्चुअली में जो वेलोसिटी ग्रेडियंट आता है ना वो स्ट्रेन रेट से आता है, वो मैं आपको बताता हूँ कैसे आएगा। टेंजेंशियल फोर्स पर यूनिट एरिया, ये तो आपको पता है कि स्ट्रेस ही है, एक टेंजेंशियल स्ट्रेस है, तो हमने इसको बोल दिया स्ट्रेस।
ठीक है, आपको पता ही है स्ट्रेस का फॉर्मूला क्या होता है, फोर्स अपॉन एरिया, टेंजेंशियल फोर्स पर यूनिट एरिया होता है स्ट्रेस। अब वेलोसिटी ग्रेडियंट क्या है, वेलोसिटी ग्रेडियंट होता है स्ट्रेन रेट। अब चलो आपको स्ट्रेस तो समझ आ गया होगा, आपको लग रहा है कि टेंजेंशियल फोर्स पर यूनिट एरिया उसको तो चलो मान लिया कि वो स्ट्रेस होता है, लेकिन ये स्ट्रेन रेट कैसे है, ठीक है स्ट्रेन रेट कैसे है, देखो स्ट्रेन रेट क्या होता है, अगर हम स्ट्रेन रेट निकालें, स्ट्रेन रेट नाम से देखो रेट वर्ड आया उसमें, रेट यानी कि पर यूनिट टाइम के हिसाब से कुछ ना कुछ हो रहा है यहाँ पर। तो सबसे पहले नीचे तो मैंने लगा दिया टाइम, क्योंकि रेट वर्ड आया तो रेट के हिसाब से यानी कि पर यूनिट टाइम में कुछ ना कुछ सॉल्व हो रहा है, इस कारण से रेट वर्ड आया। अब बात आती है स्ट्रेन की, स्ट्रेन आपने पढ़ा हुआ है, स्ट्रेन का आप शॉर्ट देख लो, मैंने एक शॉर्ट वीडियो बनाई हुई है स्ट्रेन पर, वहां पर आपको समझ आ जाएगा कि स्ट्रेन क्या होता है। एक बेसिक सा मैं आपको आइडिया दे देता हूँ कि अगर ये पॉइंट, हमने बुक का एग्जांपल लिया था कि अगर आगे की तरफ डिस्प्लेस हो जाए, तो अगर ये पॉइंट इस तरफ डिस्प्लेस हो चुका है, सपोज कि वो डेल्टा एक्स से डिस्प्लेस हो गया और उसकी जो यहाँ पर लेंथ थी वो एल थी, तो स्ट्रेन क्या होता था, डेल्टा एक्स अपॉन एल, ये स्ट्रेन होता, ठीक है, जिसको हम शेयरिंग स्ट्रेन बोलते हैं। तो शेयरिंग स्ट्रेन ऐसे आता है, तो डेल्टा एक्स अपॉन एल आ गया, तो यहाँ पर हम डेल्टा एक्स अपॉन एल को पुट कर देते हैं। अब देखो क्या होगा कि डेल्टा एक्स अपॉन डेल्टा टी, ये तो होती है वेलोसिटी, तो हम देखो इसको कैसे पुट करेंगे, डेल्टा एक्स अपॉन डेल्टा टी, ये एल नीचे जाएगा तो हम इसको ऐसे लिख देते हैं, डेल्टा एक्स अपॉन डेल्टा टी, डेल्टा एक्स एक डिस्टेंस हो गया, अपॉन में टाइम हो गया, डिस्टेंस अपॉन से टाइम क्या होता है वेलोसिटी, जो कि वी और नीचे रहेगा एल, ठीक है। आई होप आपको समझ आ गया होगा कि डेल्टा एक्स अपॉन डेल्टा टी की जगह हमने वेलोसिटी को पुट कर दिया है और नीचे एल ऐसे ही पड़ा है, और ये क्या बन गया, वेलोसिटी ग्रेडियंट। तो यहाँ से आपको समझ आ गया कि स्ट्रेन रेट वेलोसिटी ग्रेडियंट के बराबर क्यों है, ठीक है कैसे है ये। अब हम क्या करेंगे, इन वैल्यूज को पुट कर देंगे, तो कोफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी का जो फॉर्मूला था, टेंजेंशियल फोर्स पर यूनिट एरिया, फोर्स अपॉन एरिया जो कि स्ट्रेस ही होता है, और यहाँ पर स्ट्रेन रेट की जगह आएगा वी अपॉन एल। अब इसको जब हम सॉल्व करेंगे तो ये ए नीचे आएगा। फ्रैक्शन सॉल्व करने के लिए बेसिकली आपको चीज बताता हूँ कि अगर आपके पास ऐसे दो फ्रैक्शन है और उसको आप ऐसे डिवाइड कर रहे हो, ए अपॉन बी को सी अपॉन डी से डिवाइड कर रहे हो, तो बी को नीचे ले आना सी के पास और डी जाएगा सबसे ऊपर, सबसे नीचे वाला सबसे ऊपर चला जाएगा, ठीक है। तो बेसिक सा यहाँ पे याद रखना, जैसे ये एफ अपॉन ए है, पहले हम इसको ऐसे लिख लेते हैं, एफ अपॉन ए वी अपॉन एल, हम क्या करेंगे ए को वी के पास लेकर आएंगे और एल चला जाएगा एफ के पास, ठीक है, यहाँ पर बनेगा एफ एल अपॉन ए बी। तो ये हमारे पास आता है कोफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी का फॉर्मूला, एफ एल अपॉन ए बी, ये होता है कोफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी। सो दैट्स ऑल फॉर टुडे, थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।